अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहसिन गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त मेरे साथ है महपारा, यानी रंग महल की महपारा और आपकी हमारी सहर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? पहले जैसी। अच्छा, पहले जैसी। रंग महल खत्म हो गया, लोग उदास हैं, आप खुश हैं? उदास हैं। उदास है ना। अब घर जाते ना कुछ देखने के लिए नहीं होता। मैं कहती पहले रोज जाती थी और एपिसोड देखती थी। अच्छा, एक बात है कि जो आखिरी एपिसोड थे 4-5, उसपे लोगों की शर्तें लग गई थी कि सलार से शादी होगी, सुहेल हासिल कर लेगा या रायत को मिल जाएगी मापारा। तो उस वक्त क्या लोग भी आपसे पूछते थे कि बहुत ज्यादा अभी भी मैसेजेस कर रहे थे। इवन मैंने आपको बताया था ना, मेरी अम्मी मुझसे नाराज है कि तुमने सलार से क्यों नहीं की, रायत से क्यों किया। तो इस तरह से ऑब्वियसली जो रायत के टीम मेंबर्स थे उन्होंने रायत का लिया, जो सलार के थे उन्होंने सलार का, जो सुहेल के थे उन्होंने सुहेल का। तो माशाल्लाह इतना प्यार मिला कि वो हर कोई चाहता था कि इस तरह से एंड, और लोग चाहते थे कि खत्म ही ना हो। अच्छा, एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रामा तो रंग महल चल रहा था जियो पे, जो 7 Sky की पेशकश है, लेकिन मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पे एक अलग जंग जारी थी महपारा के लिए, रायत, सलार और सुहेल, और वो आपकी फेवरेट जो क्या नाम है उनका, फजीला काजी आपकी फेवरेट, उन्होंने शैला ने बड़ा जुल्म किया आपको घर से निकाल के, और बेचारा फजल जो है, फजल अली, वो भी मारा गया बीच में खामा। हालांकि फजल जो है, खामखा नहीं, आपने जुल्म किया था ड्रामे में, खामखा ना बोले आप, बच के ना निकले। क्यों किया था आपने महपारा पे जुल्म? देखो, महपारा को हमेशा वो बेटी समझता था फजल अली, लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि बीवी जो चाहे पूरे वो घर को बदल दे या ऐसा कर दे। सुहेल का जो कैरेक्टर है, जो हुमायूं अशरफ ने बहुत जबरदस्त, जो बात है, और रायत जो अली अंसारी ने कैरेक्टर किया रायत का, उसने भी लाजवाब परफॉर्मेंस दी। और फिर सालार में आसिम, उसने बहुत अच्छा किया। और फिर महपारा के कैरेक्टर को तो लोग इस तरह लेके चल रहे थे कि महपारा रो रही है तो लोग भी रो रहे हैं, महपारा मुस्कुरा देती थी तो लोग भी मुस्कुरा देते थे। अब जैसे ये ड्रामा खत्म हुआ, लोगों ने वो स्टिकर भेजे, इतने मैसेज किए कि लोग रो रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, ये महपारा के साथ क्या हुआ। आपकी दादी, उसके साथ बहुत हमदर्दियां थी, और राशिद फारूकी साहब ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था, और इनकी दादी थी सबिया साहिबा, हमारी सीनियर आर्टिस्ट। तमाम फनकारों ने बहुत जबरदस्त किया, और शाफिया खान जिन्होंने लिखा है इसके, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी, और हमारा जो कॉन्टेंट डिपार्टमेंट है 7 Sky का बहुत जबरदस्त काम करता है। इसके प्रोजेक्ट हेड काशान थे, और फिर यूनुस शफी ने संभाला, मतलब सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, स्पॉट्स बॉय से लेके प्रोडक्शन हेड तक, सबकी इसमें मेहनत थी और लोगों की दुआएं थी, हमारा रंग महल कामयाब हुआ। और दुआ कीजिए कि जो ड्रामा हम अब कर रहे हैं वो भी आपको बहुत पसंद आए, और उसे भी इसी तरह रोज मिले। थैंक यू सो मच सबको। बहुत बहुत।